नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी मादक पदार्थ की जब्ती की गई है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने दो अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लगभग 12.5 करोड़ रुपए की चरस बरामद की गई। तस्कर यह मादक पदार्थ नेपाल से लेकर आ रहे थे। दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार चरस नेपाल से राजधानी भोपाल लाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने दो तस्कर को धर दबोचा। आरोपियों के कब्जे से 36 किलोग्राम से अधिक चरस जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत कुल 12.5 करोड़ बताई जा रही है। दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चौहरी मिश्र ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने मादक पदार्थ की बड़ी खेप पकड़ी है। इसका अंतर्राष्ट्रीय लिंक सामने आया है। नेपाल के रास्ते से लाने की जानकारी मिली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे लिंक की कड़ियां जुटा रही है। दो आरोपियों को पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि इन तस्करों की इंदौर, देवास और भोपाल में अलग अलग लोगों से मिलने और उनसे इस तरह की आपराधिक साठगांठ की सूचना मिली है। पुलिस सत्यापित कर रही है, उनकी पहचान कर उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा। हरिनारायण चौहरी मिश्र ने इस कार्रवाई के लिए पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ पुलिस लगातार गंभीर है। क्राइम ब्रांच को पुरस्कृत किया जा रहा है। ये पूर्व में भी यहाँ पे इस गिरोह द्वारा सप्लाई किया गया था चरस, तो लगभग कितना चरस हो गया और कितने पूर्व में पकड़े गए थे? पूर्व में भी कुछ 2-3 करोड़ रुपए तक के चरस और भी अलग अलग खेपों में पकड़े गए थे, लेकिन इस पर जो जानकारियां मिली थी और पुलिस ने इसको लेकर के जो गंभीरता, खासतौर पर ड्रग्स को लेकर के जो गंभीरता दिखाई है, उसके परिणाम सामने आ रहे हैं और उसी कड़ी में गिरोह पकड़ा गया। इस गिरोह के साथ खास है कि इस गिरोह के नेपाल तक लिंक है, नेपाल फैलाने की बात इसमें आ रही है और नेपाल से होते हुए कुछ अलग अलग बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से होते हुए इनके इंदौर और देवास तक से इनके सूत्र सामने आ रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले को खंगाल रही है। छोटी छोटी जो कड़ियां जो स्थानीय स्तर पर हैं, पुलिस उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ करके आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां होंगी, कुछ और भी इससे जो कड़ियां हैं उनके नाम सामने आएंगे। सामान्य तौर पर ट्रेन के माध्यम से लाते थे। ट्रेन में एक सामान का जो लगेज होता है, जो सामान होते हैं अच्छी, जो लंबी दूरी की भी जो ट्रेन थी, इसमें प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई है ट्रेन पे लाने की बात है, तो उसमें ट्रेन में चूंकि सामान्य लगेज में ला करके बीच में रख दें तो पकड़ना संभवतः मुश्किल होता है, तो उस तौर पे इस्तेमाल करते थे। इसे पुलिस की फोकस इस बिंदु पर ही पुलिस जांच कर रही है कि क्या पूर्व में इन्होंने इस तरह के कोई बड़ी खेप यहाँ पे या किसी अन्य जिले में, किसी अन्य शहर में खपाने की कोशिश की है या खपाई है। ये कब से यहाँ पे रह रहे हैं, पिछले कुछ समय से इनके आने जाने की सूचनाएं मिली हैं, कुछ इनके जो डिटेल्स हैं, इनके जो खास तौर पे जो तकनीकी साक्ष्य मिले हैं, उससे पूर्व में भी इनके आने की कई जगहों पे ऐसी आशंका दिख रही है, तो इसके आधार पर पुलिस उन सारे कड़ियों को जोड़ेगी, इनके पुराने संपर्कों को खंगालेगी, इनके नए सूत्र जो इनके संपर्क में हैं उन तक पुलिस पहुंचेगी और घटनाक्रम को एक जो बड़ी रूपरेखा है वो आने वाले दिनों में सामने आएगी। इसमें कुछ नाम सामने आए हैं लेकिन अभी चूंकि घटना पुलिस को उन तक पहुँचना है, पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना है, इस कड़ियों को जोड़ना है, इसलिए उनका नाम अभी लिया जाना उचित नहीं है। बिहार पुलिस से भी संपर्क कर रहे हैं सर, तो बिहार के रहने वाले ये जहां के रहने वाले हैं वहां से लेकर के जहां जहां पे रुके हैं, जहां जहां पे जाते गए हैं या जिन लोगों के संपर्क में हैं, पुलिस उन सारे कड़ियों तक पहुंच रही है। खासतौर पर नाम अभी पुलिस आदमी के लिए नहीं कर रही है कुछ लोगों के, कि नाम लिए जाने के बाद फिर उनके भाग जाने की संभावना बढ़ जाएगी। जो भी सूचनाएं हैं ड्रग्स से संबंधित उस पर जानकारियां आए और उस पर कार्रवाई हो। पिछले दिनों चुनाव के समय पिछले साल लगभग 5 करोड़ रुपए के विभिन्न मादक पदार्थों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयां की थी। उसी कड़ी में आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कुछ जानकारियां मिली थी और उन जानकारियों को पुलिस ने लगातार उस पर काम किया। क्राइम ब्रांच ने डीसीपी क्राइम के साथ साथ उनके नेतृत्व में लगातार उन सूचनाओं को विकसित किया और उसमें एक बड़ी सफलता मिली। जब कल लगभग 12.5 करोड़ रुपए के इस तरह के बहुत बड़े खेप को, एक ड्रग्स की बड़ी खेप को पुलिस ने पकड़ा, जिसमें 36 किलोग्राम से ज़्यादा चरस पकड़ी गई और उसमें साथ ही साथ इसका कुछ अंतर्राष्ट्रीय लिंक भी सामने आया है, जिसमें इसके नेपाल के रास्ते आने की कुछ जानकारी मिली है। पुलिस इस पूरे लिंक को स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि इसमें और कौन कौन सी कड़ियाँ हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे प्रकरण से, इस पूरे दुष्चक्र से जुड़े हुए हैं। इसमें दो लोगों को, दो आरोपियों को पकड़ा गया है जिनके पास से पूरी खेप पकड़ी गई है। साथ ही साथ इनके इंदौर, देवास और भोपाल में अलग अलग लोगों से कुछ मिलने की और उनसे इस तरह के आपराधिक साठगांठ की इसमें सूचना प्रथम दृष्टि आई है, जिनके लोगों को पुलिस अभी सत्यापित कर रही है कि उनमें कौन से लोग हैं,
जिनकी पहचान करके उन्हें भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। इस पूरी टीम को जिसमें डीसीपी क्राइम और एडिशनल डीसीपी क्राइम और पूरी टीम है उनको पुरस्कृत किया जा रहा है खासतौर पर इस बड़ी सफलता के लिए, और खासतौर पर पुलिस की जो एक बड़ी कार्रवाई चल रही थी ड्रग्स के खिलाफ में, एक बड़ी मुहिम चल रही थी, क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी आपदा की तरह है जो कि पूरे युवा वर्ग को पूरी तरीके से तोड़ देता है और कमज़ोर करता है, तो इसको लेकर के पुलिस बड़ी ही गंभीर है और उस कड़ी में यह एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इनके सीधे संपर्क हैं पूरे क्षेत्र से, और जहां पर प्रथम दृष्टया जानकारी आई है कि नेपाल से, क्योंकि पूर्व में भी एक जो गिरोह पकड़ा गया था पिछले वर्ष, एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया था जो क्राइम ब्रांच नहीं पकड़ा था, वो भी करोड़ों का था, उसकी भी नेपाल के कुछ जगहों से संपर्क में आने की सूचना थी कि खासतौर पर वहाँ से सप्लाई करते थे। तो पुलिस इस बात पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि क्या पहले वाले गिरोह से जिसमें आरोपी पकड़े गए थे और जेल में हैं उनमें और इन आरोपियों में क्या कोई संबंध है, पुलिस इस बिंदु पर भी जांच करेगी। यहाँ के पुलिस ने पहली बार पकड़ा है, अब चूंकि इनके आपराधिक अतीत की पुलिस खंगालने की कोशिश करेगी, उन जगहों के पुलिस से संपर्क करेगी या जिन जगहों पर आंशिक तौर पर रहे हैं वहाँ पर इनके रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा। अभी तक की जाँच में पुराना रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद हो सकता है कल तक और स्थिति स्पष्ट हो जाए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.